टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर फोर कोलम कैरेक्टर्स ऑफ़ दिस चैप्टर्स हस्ती हर पेरेंट्स एंड हर फ्रेंड्स तनुजा तनु। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। व्हाई डू यू हैव सो मैनी फ्लावर्स इन योर बैग सेमी तुम्हारे बैग में इतने सारे फ्लावर्स क्यों हैं सेमी आई नीट देम टू मेक अ कोलम ये मैं ये कोलम बनाने के लिए ले जा रहा हूँ व्हाट्स अ कोलम कोलम क्या होता है इट्स अ नेम गिवन टू द आर्ट ऑफ रंगोली इन साउदर्न इंडिया ये एक आर्ट होता है रंगोली बनाने का जिसका नाम साउदर्न इंडिया में रखा गया था हाउ डू यू मेक अ कोलम कैन आई हेल्प यू तुम कोलम कैसे बनाती हो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ऑफ कोर्स यू कैन हेल्प आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ्लावर्स टू मेक वन बिल्कुल मैं इन सब फ्लावर्स को एक रंगोली बनाने में ही यूज़ करने वाली हूँ वाओ दैट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है हस्ती हैड मूव टू अ केरल वन मंथ है गो विद हर पेरेंट्स शी ऑलरेडी हैड मेड सम न्यू फ्रेंड्स तनु एंड तनुजा व ट्विंस एंड लिव्ड नेक्स्ट नेक्स्ट डोर टू हस्ती हस्ती कुछ एक महीने पहले केरल गई थी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर उसने अपने पहले से ही कुछ नए दोस्त बना लिए थे जिनका नाम तनु और तनुजा था वो दोनों ट्वेंट्स थे जो हस्ती के घर के बगल में रहती थी इट वॉज संडे मॉर्निंग हस्ती डिसाइडेड टू गो टू तनु एंड तनुजाज हाउस वैन शी गॉट देयर दे देवर सिटिंग ऑन द फ्लोर आउटसाइड देयर हाउस देयर वॉज ए बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स बिसाइड देम वॉट आर यू डूइंग विद द फ्लावर्स हस्ती दैम वो एक संडे की सुबह थी जब हस्ती ने डिसाइड किया कि वो तनु और तनुजा के घर जाएगी जब वो उनके घर गई तो उसने देखा कि वो दोनों अपने घर के बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं उनके पास एक फ्लावर से भरी हुई बास्केट रखी है तभी हस्ती उनसे पूछती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो फ्लावर्स के साथ वी आर मेकिंग अ कोलम रिप्लाइड तनुजा तब तनुजा ने कहा कि हम कोलम बना रहे हैं आई हैव नेवर हर्ड ऑफ कोलम सेड हस्ती वॉट इज इट तब हस्ती कहती है कि मैंने तो कभी कोलम के बारे में सुना नहीं ये क्या होता है कोलम इज़ द नेम गिवन टू द आर्ट ऑफ रंगोली इट इज़ पॉपुलर मेनली इन द स्टेट्स ऑफ केरल एंड तमिलनाडु सैड तनु वी ड्रॉ कोलम डिजाइन इन फ्रंट ऑफ अवर होम्स विद राइस पाउडर रेड ब्रिक पाउडर और फ्लावर्स तनुजा टोकअ एन अदर फ्लावर डू यू नो हस्ती शी सैड वी बिलीव अ कोलम ब्रिंग्स अस प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस अवर मदर गेट्स अवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज एंड स्प्रिंकल्स द फ्लावर विद वॉटर सो दैट इट इज़ क्लीन फॉर द कोलम कोलम एक रंगोली का आर्ट है जिसको जिसको केरल की स्टेट और तमिलनाडु में कहा जाता है हम कोलम की डिज़ाइंस बनाते हैं अपने घर के बाहर चावल के आटे से रेड ब्रिक के पाउडर से और फ्लावर्स से तभी तनुजा फ्लावर उठाकर कहती है कि तुम क्या जानती हो कि हमारा मानना है कि जो कोलम बनाते हैं उससे घर में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आती है हमारी माँ रोज जल्दी सुबह उठ कर सूरज के उगने से पहले दरवाजे पर फ्लावर्स पानी के साथ डालती हैं जिससे जिससे कोलम बनाने के लिए वो जगह साफ बनी रहे हस्ती लिसन केयरफुली शी वॉज इंटरेस्टेड इन वॉट द ट्विन्स वर सींग बाय नाव तनु एंड तनुजा हैड मेड हाफ ऑफ द कोलम इट लुकड ब्यूटिफुल जस्ट देन देयर मदर केम आउट तनु तनुजा शी सेड हैवी फिनिश द प्रू को कम इनसाइड साइड एंड अ व्यर ब्रेकफास्ट हस्ती उन दोनों की बात को बहुत ध्यान से सुनती है तभी इतनी सारी बातें करते हुए तनु तनुजा जो होती हैं उनने अपनी कोलम आधी कंप्लीट कर ली होती है जो कि बहुत सुंदर लग रही होती है तभी उन दोनों की मम्मा आती हैं और कहती हैं कि तुमने क्या पू कोलम बना ली है चलो बंदर आओ और ब्रेकफास्ट कर लो शी वेंट इन हस्ती लुक्ड कन्फ्यूज तनुजा यू आर मेकिंग अ कोलम बट आंटी जस्ट सेड इट कॉल्ड इट अलम सेड हस्ती तभी उनकी मम्मा अंदर चाहती हैं पर हस्ती थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है कि तनुजा तुम तो कह रही थी कि तुम कोलम बना रही हो पर अब अभी तुम्हारी मम्मा कह रही हैं कि तुम पु कोलम बना रही हो तनुण तनुण तनु एंड तनुजा स्टार्टेड टू लाफ अ कोलम मेड विथ फ्लावर्स इज कॉल्ड अ पू कलम एक्सप्लेन तनु कलम कंजिस्ट ऑफ टू वर्ड्स पूफ मीन्स फ्लावर एंड कोलम मीन्स कलर्ड स्केचेज ऑन द ग्राउंड तभी तनु तनु और तनुजा दोनों हंसने लगते हैं और उसको हस्ती को बताते हैं कि जो कोलम हम फ्लावर्स से बनाते हैं हम उनको पू कलम कहते हैं पू कलम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है पूव और कोलम पूव का मतलब होता है फ्लावर और कोलम का मतलब होता है कि जो जो हम जमीन पर कलर्ड स्केचेज बनाते हैं उनको हम पू, uh, कोलम कहते हैं आई सी सैड हस्ती तभी हस्ती कहती है कि हाँ मैंने देखा न, अब मैं समझ गई शी स्माइल्ड एंड स्टार्टेड टू हेल्प देम शी प्लेस्ड सम मैरीगोल्ड पेटल्स इन सेंटर ऑफ द डिज़ाइन तभी वो स, कहती है कि हाँ मैं समझ गई और उन दोनों की हेल्प करने लगती है फिर हस्ती ए, अपने हाथों से कुछ मैरीगोल्ड की पेटल्स लेती है और उनके डिज़ाइन के सेंटर में रख देती है लेट्स एड दिस सैड तनुजा टेकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ़ रेड लीव्स दे विल लेट कलर टू द कोलम तभी तनुजा कहती है कि इनको भी ऐड कर देते हैं वो अपने हाथों में रेड लीव्स को उठा के कहती है जिससे कोलम जो है वो हमारी और सुंदर लगेगी हस्ती यू शुड कम एंड सेलिब्रेट ओनम विदर्स सेट तनुनम इज एन हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरल तभी तनु कहती है कि हस्ती तुम भी हमारे साथ ओनम सेलिब्रेट करो ना ओनम एक केरल का फेस्टिवल है वी मेक अ बिग पू कलम ऑन ओनम एडिट तनुजा तभी तनुजा कहती है कि हम ओनम के फेस्टिवल पर एक बहुत बड़ी पू कलम बनाते हैं और जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो ओना सद्य बनाती हैं जो कि एक डिटेल्ड लंच होता है और यहाँ पर स्नैक बोट रेसेस होती हैं और ट्रेडिशनल डांसेस भी होते हैं आई हैड लव टू सेलिब्रेट ओनम विद यू सेड हस्ती इट्स साउंड्स लाइक ग्रेट फन तभी हस्ती कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग के साथ ओनम सेलिब्रेट करना ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है वन द गर्ल्स हैड फिनिश द कोलम दे वेंट इन साइड टू हैव ब्रेकफास्ट जब सभी लड़कियाँ कोलम बनाना कंप्लीट कर लेती हैं तब वो अंदर जाती हैं ब्रेकफास्ट करती हैं आई एम सो एक्साइटेड सेड हस्ती आई एम गोइंग टू मेक अ कोलम आउटसाइड माई हाउस नेक्स्ट संडे तभी हस्ती कहती है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मैं भी अपने घर के बाहर अगले संडे को कोलम बनाऊंगी दैट्स वंडरफुल सेट तनु तभी तनु कहती है ये तो बहुत अच्छा है हम भी आएंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे सो स्टूडेंट दिस इज आवर चैप्टर यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम